हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपकी बैलेंसिंग ही है, तो मैं सोच रही हूँ साथ के साथ जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हम वो भी डिस्कस करते चलते हैं, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो आपका इंटेक्स का सेकंड क्वेश्चन देखना, वो आपको दिया हुआ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्व करने की क्वेश्चन आनी है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे देखो। हाइड्रोजन है, क्या लिखोगे? एच। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि हाइड्रोजन कभी भी ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एज अ एच टू एग्जिस्ट करेगा वो। ठीक है, तो मैंने इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लिखा, एच टू। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन भी कभी नॉर्मली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप क्या लिखोगे, सी एल टू। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड आप कैसे बनाओगे, इस बात का आपको पता होना चाहिए जो कि नाइन्थ का बेस है आपका। अगर नहीं पता तो एक बार देख लो। देखो हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस वन, क्लोरीन की माइनस वन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एच वन सी एल वन। ठीक है, वन वन हम नहीं लिखते हैं तो क्या लिखोगे, एच सी एल। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बन गया, एच सी एल। अब क्या लिखते हैं, इसको बैलेंस करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, इसको बॉक्स में रखते हो। तो ठीक है, बॉक्स में रख देते हैं, रखा। अब देखो काउंट करो कितने कितने क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, टू, क्लोरीन टू। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन वन है, क्लोरीन कितना है, वन है। तो इसको टू करने के लिए हम क्या करें, टू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ नहीं, यहाँ सबसे आगे कर दो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया देखो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, टू, क्लोरीन कितने हो गए, टू, हो गई बैलेंस, टू टू सी एल सी एल। ठीक है, तो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखना, उसका फर्स्ट पार्ट ही है, सेकंड पार्ट में एक बार रुक के डिस्कस करूंगी, पहले चलो कर ही देते हैं। सेकंड पार्ट क्या आपका, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, गिव्स व्हाट, बैरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, पहले हम इसके फॉर्मूलास पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, आफ्टर दैट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले केमिकल फॉर्मूला देखो, देखो बैरियम मतलब क्या हो गया, बी ए। ठीक है, क्लोराइड मतलब सी एल। अब वैलेंसी कितनी होती है बैरियम की, प्लस टू, क्लोरीन की कितनी होती है, माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बी ए वन सी एल टू। तो सिंपली वन तो हम लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बी ए सी एल टू। ठीक है, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम मतलब Al, सल्फेट मतलब SO4। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी प्लस थ्री, सल्फेट की वैलेंसी माइनस टू। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना, Al2SO4। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ से ही लिख देते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, Al2SO4, इसको ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि ये कंप्लीट एक है तो इसको ब्रैकेट में डाल के बाहर से लिखना है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है आपका, क्या बनता है, बैरियम सल्फेट। बैरियम का बी ए, सल्फेट का एसओ फोर। बैरियम प्लस टू, सल्फेट माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी ए टू एसओ फोर होल ट्वाइस, टू से टू कट कर दो, क्या बचा, बी ए एसओ फोर। ठीक है, आफ्टर दैट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का ए एल, क्लोराइड का सी एल। एल्यूमिनियम मीन्स प्लस थ्री, क्लोरिन मीन्स माइनस वन। क्या बना, Al1 Cl3, वन नहीं लिख तो क्या आ गया, Al Cl3। तो क्या बना, बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या करना, आपको बैलेंस करना। इस रिएक्शन में बैलेंसिंग ध्यान से देखना, कि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, LHS RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो कौन कौन से एटम्स हैं, Ba मतलब बैरियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, एल्युमिनियम प्रेजेंट है। अब SO4 को इकट्ठा मत लिखना, क्योंकि आपको पता है सल्फर अलग प्रेजेंट होता है, मतलब अलग मॉलिक्यूल है, या एटम लगा लो अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, तो सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो बैरियम अलग, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एल्युमिनियम प्रेजेंट है, सीएल प्रेजेंट है। देखो पहले राइट हैंड साइड देखते हैं कौन कौन कितना प्रेजेंट है, बैरियम कितना प्रेजेंट है, वन, सल्फर कितना है, वन। देखो ये फोर है, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सल्फर के साथ अटैच मत करना। सल्फर कितना है, वन, ऑक्सीजन कितने हैं, फोर, एल्यूमिनियम कितना है, एक ही है, क्लोरीन कितने हैं, ये अरे तीन।
ठीक है, जिसके साथ जो नंबर लगा हुआ है सिर्फ उसी से उतने ही वो होगा, उतनी ही एटम प्रेजेंट है। ये मत कर देना सल्फर के साथ 4 लगा दो, एल्यूमिनियम के साथ 3 लगा दो, वो काम आपको नहीं करना है। यहाँ देखो बैरियम कितना है, 1 ही है ना। सीएल देखो कितना है, 2 लगा हुआ है तो 2। एल्यूमिनियम कितना है, 2। अब जो देखने वाली बात है वो क्या है, सल्फर देखो यहाँ पे आप कह रहे हो मैम एस है, ओ है, 4 है, बाहर इसके 3 लगा हुआ है। बाहर 3 का मतलब है जो ये 3 है ये इसके साथ भी लगा हुआ है और इसके साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका सल्फर हो गया कितने हो गए, 3। अब ऑक्सीजन देखो 4 तो ऑलरेडी थे, 3 ही हो गए, तो मल्टीप्लाई करना होता है, 4 × 3 कितने हो गए ऑक्सीजन आपके, 12। तो बैरियम 1, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 × 3 = 12, ठीक है। अब देखो क्या क्या बैलेंस करना है, पहले तो इक्वेशन को किस में रख देंगे, बॉक्स में रख दे। अब बैलेंस करते देखो, सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम क्या करें, देखो सिमिलर नंबर उठाओ, देखो यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल है, इसका रिलेशन बन सकता है ना 2 और 3 का, मतलब 2 और 3 कब कॉमन हो सकते हैं देखो, तब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों सेम हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई मेरे को कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, किया इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, देखो बी ए कितना हो गया 3, सी एल देखो कितना हो गया 3 ए थे 2 ए, 3 2 जा मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 6, ठीक है। बाकी तो सेम ही है, पढ़े रहने दूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3, आपको कितने बनाने हैं 6, किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से कर दूँ, 3 2 से 6 होता है, तो क्लोरीन कितने हो गए 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 1 था 2 ये हो गए, कितने हो गए 2। क्या क्या बैलेंस हो गया देखो, क्लोरीन बैलेंस हो गया काट दो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया काट दो, सल्फर कितना है 1, यहाँ कितना है 3, क्या करूँ मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो बेरियम कितना हो गया 3, सल्फर कितना हो गया 3, ऑक्सीजन देखो 3 और ये 4, तो 3 4 जा यहाँ पे जो है आपस में वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो 3 4 जा 12। अब देखो बेरियम कितना है 3 3, सल्फर कितना है 3 3, ऑक्सीजन कितना है 12 12, हो गया बैलेंस। एक बार वापस से बैलेंस चेक कर लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन बने आपकी, बैलेंस देखो बैरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे बैरियम सल्फर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम क्लोरीन, देखो बैरियम कितना है 3 है, ठीक है, क्लोरीन कितना है इसको इससे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 2 6। एल्यूमिनियम देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, कितना लिखा 2। सल्फर की आपको कैसे देखना है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो सल्फर इससे मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर कितना था 1 था, ये 3 है, तो 1 3 3, ये 4 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेरियम कितना है 3, सल्फर कितना है 3, ऑक्सीजन देखो 3 4 बताया था मल्टीप्लाई होता है बाहर वाला, 3 4 12। एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे कितना है 2, ओके, क्लोरीन कितना है 3 2 6। अब देखो मैच करना, बैरियम 3 3, क्लोरीन 6 6, एल्यूमिनियम 2 दैट मीन्स 2, सल्फर 3 सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12, दैट इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे आंसर पूछूंगी क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये इक्वेशन आप मेरे को बैलेंस करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर नहीं आता था मुझे कमेंट कर देना, वी विल डिस्कस की रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।